जब जुमे के दिन नमाज के लिए अजान दी जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ लपको और खरीदो फरोख तर्क कर दो। अगर समझो तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है। फिर जब नमाज हो चुके तो जमीन में फैल जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो और अल्लाह को बहुत बहुत याद करते रहो ताकि कामयाब हो जाओ। ऐ नबी, ये किताब जो तुम्हारी तरफ वही की गई है इसको पढ़ा करो और नमाज के पाबंद रहो। कुछ शक नहीं कि नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है और अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा है और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे जानता है। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ही रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है और उसी ने सूरज और चांद को काम में लगा रखा है। हर एक एक वक्त मुकर्रर तक चल रहा है। और ये कि अल्लाह तुम्हारे सब आमाल से खबरदार है। और यतीम के माल के पास भी ना फटकना मगर ऐसे तरीके से कि बहुत बेहतर हो, यहां तक कि वो जवानी को पहुंच जाए। और अहद को पूरा करो कि अहद के बारे में जरूर पुरसिश होगी। और जब कोई चीज नाप कर देने लगो तो पैमाना पूरा भरा करो और जब तोल कर दो तो तराजू सीधी रखकर तोला करो। ये बहुत अच्छी बात और अंजाम के लिहाज से भी बहुत बेहतर है।